अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये जो आप ये ब्लॉग देख रहे हैं आप, ये नौ मुहर्रम का है। तो हम लोग थोड़ा सा शॉपिंग के लिए बाहर गए थे मार्केट, तो मैंने सोचा कि चलें थोड़े थोड़े क्लिप्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर कर देती हूँ। मैंने ज़्यादा तो शॉपिंग करते वक्त वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एक तो सारिम को भी मैंने उठाया हुआ था और दूसरा जो ये था कि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि आपको पता है मार्केट में औरतें भी होती हैं, और किसी को बुरा ना लग जाए क्योंकि मैं वीडियो बनाऊँ या इस तरह। मुझे शॉप पे भी बनाने का बिल्कुल भी वो दिल नहीं किया कि क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आप जानते हैं कि मुजफ़्फ़राबाद या आज़ाद कश्मीर हम लोगों का थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया है। तो मैं सोच रही थी कि शायद किसी को अजीब लगे कि ये वीडियो क्यों बना रही हैं, तो बस इसलिए मैंने कैमरा नहीं उठाया। तो बस थोड़े बहुत जो गाड़ी के अंदर ही मैंने रिकॉर्डिंग की थी तो वो आपसे शेयर कर रही हूँ। तो अभी हम लोग मार्केट में पहुँच ही गए थे, तो कुछ शॉप्स बंद थी। तो पहले तो हमें ऐसा लगा कि नौ मुहर्रम की जो छुट्टी हो, क्योंकि ऐसे ऑफिस वगैरह तो बंद ही थे। मैंने सोचा कि क्या पता मार्केट भी बंद हो, लेकिन फिर हमने कहा कि चलो चक्कर लगा लेते हैं, देख लेंगे कि अगर बंद हुई तो वापस आ जाएंगे। तो अभी हम लोग, मैंने दरअसल कुछ अपने लिए शॉपिंग करनी थी, क्योंकि अभी एक दो मंथ बाद मेरी जो है बहुत ही मेरी क्लोज़ फ्रेंड है, उनकी शादी है। तो उसके लिए मैंने सोचा कि अभी से चलो शॉपिंग थोड़ी बहुत शुरू कर दूं। और कुछ हस्बैंड ने अपने लिए शॉपिंग वगैरह करनी थी अभी हम लोग, बस मैंने इतनी ज़्यादा शॉपिंग की जो है वो वीडियो नहीं बनाई। तो जी अभी हम लोग घर आ चुके थे, काफ़ी थकावट हो गई थी क्योंकि सारिम को भी मैंने उठाया हुआ था और मैंने शॉपिंग की कोई भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। और शॉपिंग की चीज़ें भी आपको दिखाती, लेकिन ये कि मैंने कपड़े अपने जो थे वो टेलर को दे दिए थे, और हस्बैंड ने अपने लिए उनकी मीटिंग्स होती हैं तो ज़्यादातर उनके काम में जो है ना वो पैंट कोट ही चलता है, तो इसलिए वो भी कपड़ा लेके वो टेलर से खुद ही बनवाते हैं। तो बने हुए वो भी नहीं मतलब पहनते इतने ज़्यादा अच्छा, उसमें वो कपड़ा नहीं होता। बाकी जो है वो मैंने किचन के लिए कुछ सामान वगैरह लिया था, मतलब क्रॉकरी वगैरह। मैं जब भी जाऊं तो मुझे बस किचन की होती है कि वो हमेशा जो है ना वो कुछ ना कुछ मैं किचन के लिए लेकर ही आती हूँ। तो अभी खाना हम लोग खा चुके थे, बाहर ही हम लोगों ने खाना खा लिया था, तो अभी हम लोग यहाँ पे चाय को एंजॉय करेंगे। तो थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो हमारे साथ रहिए। तो जी हम चाय के साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमारे आज़ाद कश्मीर के सबसे ज़्यादा जो फेमस चीज़ है वो यहाँ का कुलचा है, तो वो हम चाय के साथ एंजॉय करेंगे। तो जी अभी जो क्लिप्स आप देख रहे हैं ये 10 मुहर्रम के मीन्स के कल के, तो मैं भी जो सभी के घरों में जो 10 मुहर्रम को नियाज बनाई जाती है मैं वही बनाने जा रही थी। तो प्याज मैंने यहाँ पे ब्राउन कर लिया, और मैंने ये तकरीबन 2 kg जो है वो मैंने चावल लिए थे। तो पहले चावल जो है ना मैं पहले भिगो के नहीं रखती, कि मुझे डर होता है कि कहीं वो ज़्यादा मतलब बाद में जो मिक्स होती है ना उसमें, आपको पता है मिक्स बिरयानी बनाने या पुलाव जो भी आप बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा आपको डर होता है कि कहीं पहले ही चावल ज़्यादा भिगो के रखने से वो ज़्यादा नरम ना हो जाए, तो ज़्यादा गल ना जाए। और उसके बाद ये चिकन तकरीबन 2 kg चिकन ही मैंने लिया था, और यहाँ पर थोड़े से चने भी मैं साथ ऐड कर दूँगी। तो रेसिपी डिटेल में मैंने आपको नहीं दिखाई, तो मसाले वगैरह सारी जो चीज़ें इसमें पड़ती हैं वो सभी बनाते हैं तो सभी को पता होगा। तो सारी चीज़ें इसमें मैंने ऐड कर ली थी, चिकन को अच्छी तरह से जो है ना वो मैंने भून लिया था। उसके बाद ये चने मेरे पास फ्रीज हुए हुए थे, तो वो मैंने थोड़े से इसमें मैंने कहा डाल देती हूँ। तो ऑयल आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि नियाज की जो चीज़ होती है उसमें फिर बाहर भी आपको पता है कि सभी के घरों में देना होता है, इस वजह से वैसे तो मैं ऑयल खानों में बहुत कम जो है ना वो यूज़ करती हूँ। तो माशाल्लाह से जो है ना बहुत अच्छी तरह से ये
नियाज हम लोगों ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह से सब मतलब दे दी थी। तो अभी इसमें मैं पानी ऐड करूँगी और उसके बाद आपको दिखाती हूँ आगे। तो जी यहाँ पे पुलाव जो था वो हमारा रेडी हो चुका था, तो अभी हम लोग करेंगे दुआ और उसके बाद जो सिलसिला होता है तकसीम करने का वो करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे मैं चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत ध्यान रखिए और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, और जो लोग नए हैं तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपसे आपको बर वक्त मिल सके। तो अपना बहुत ध्यान रखिए और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।